राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब पुलिस केस में फंस गई है। असम के जोराहाट में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार एफआईआर में आरोप है कि असम में यात्रा के लिए पहले से जो रूट निर्धारित था उस पर नहीं बल्कि दूसरे रूट पर यात्रा निकाली गई, जिसके बाद इस यात्रा के मुख्य आयोजक बी बायजू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें, सीएम हेमंता ने पहले ही चेतावनी दी थी और कहा था कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली यात्रा को गुवाहाटी के अंदर से निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर वो इस बात पर जिद करेंगे और यात्रा निकालेंगे तो मामला दर्ज किया जाएगा और चुनाव के बाद गिरफ्तारी भी होगी। और अब वैसा ही हुआ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। हमने बोल दिया हूँ कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप अल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा, लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना सुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर एफआईआर को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम ने असम के सीएम हेमंता को चुनौती देते हुए कहा कि इस यात्रा में किसी नियम को नहीं तोड़ा गया। असम के सीएम लोगों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आने से रोकने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं, इस यात्रा को कोई भी नहीं रोक सकता। अगले 7 दिनों के लिए हम असम में हैं, उन्हें हमें गिरफ्तार करने दीजिए, हम उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। रोक सकता भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। आप लोग रूल क्यों तोड़ रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। रूल नहीं तोड़ा गया है। असम के मुख्यमंत्री पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग सड़क में नहीं आए, राहुल जी को देखने का मौका नहीं दे रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत करने नहीं दे रहे हैं। वो तो कह रहे गिरफ्तारी हो सकती है, पुलिस नहीं मिलेगी। जो कुछ उनको करना है करने दीजिए, हमें जो कुछ करना है हम करते रहेंगे, हम अपना धर्म निभाएंगे। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज मणिपुर से हुआ था। इस यात्रा के तहत राहुल गांधी 6713 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। यह यात्रा 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। इस दौरान ये यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा और 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इससे पहले राहुल गांधी ने सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।